आपने हमारा पूरा सेट देखा, आपको क्या फील आया? अच्छा, मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट नो मैं कहाँ आ गई, बिकॉज मैं जब लास्ट ईयर आई थी ट्रांसमिशन में, तो हमने अंदर जो हॉल होता है उसमें किया था, रिवायती सेट होता है, हाँ रिवायती सेट होता है, लेकिन यहाँ के मुझे इट लुक्स लाइक जिस तरह से नहीं कहते फिल्म सिटी है, पूरे स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं एंड दे आर परमानेंट स्ट्रक्चर्स, परमानेंट है, ये बैल्कनीज में लोग खड़े होकर बातें कर सकते हैं, मुझे आप देख रही हैं बाहर बैल्कनीज, तो यही खूबसूरती है हमारे इस प्यारे से, हम इसे कहते हैं एक्सप्रेस मोहल्ला, बहुत एक्सप्रेस मोहल्ले की खूबसूरती है। मुझे ये बताएं क्या चल रहा है मुल्क में, पॉलिटिक्स में क्या क्या कुछ हो रहा है भाई? भूचाल आ गया, भूचाल आ गया, मतलब एक सब बदल गया है, मतलब रातों रात, कल आप देखें संडे वाला दिन था और लग नहीं रहा था संडे है, मतलब कल संडे पे आप देखें कि नेशनल असेंबली भी थी इन सेशन, वजीर आजम भी चले गए, पंजाब असेंबली भी थी, जजेस भी आके सुप्रीम कोर्ट में बैठ गए, वो भी पहला दिन रोजे का, रमजान का। अच्छा, पहली दफा ऐसा हुआ कि रमजान के पहले दिन सब थक गए, क्योंकि सुबह 8-9 बजे से सबके टीवी ऑन थे, सब देख रहे थे क्या हो रहा है, फिर रात गए तक जो न्यूज की हैपनिंग थी, सब कुछ इतना हुआ कि हमें लग रहा था इवन आज सुबह से सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नजरें थी। मुझे ये बताएं, और जो सबका सवाल है कि शर्मिला जैसी एक्टिव पॉलिटिशियन हुज ऑन टीवी, हुज ऑन सोशल मीडिया, हुज आल्सो विद द फैमिली, बेटे के साथ, हाउ डू यू मैनेज फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ? राबिया, कभी कभी टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोग ये कहते हैं नहीं जी टाइम मैनेजमेंट से हर चीज हो जाती है, कभी कभार आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है आपकी प्रायोरिटी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो प्रायोरिटी होती है आपका बच्चा, फैमिली पहले आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अवामी मार्च के अंदर, लेकिन मेरे बेटे के स्कूल के एडमिशन का इंटरव्यू था, तो आई हैड टू कम बैक फॉर दैट वन डे एंड देन गो बैक, तो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है ना, या मैं कहती कि मैं अवामी मार्च के ऊपर हूँ तो मैं एक बात बच्चे के एडमिशन छोड़, मैं खुद क्योंकि अभी दो बच्चे पाल रही हूँ, तो ये जो मॉम गिल्ट होती है, yeah, it's there. जो एक शर्मिंदगी माँ के अंदर इनबिल्ट होती है कि यार मैं बच्चे के साथ, मैं बच्चे को अवॉइड ना कर रही हूँ, इग्नोर ना कर रही हूँ, प्रायोरिटी बच्चा रहे, मियाँ तो ऐसे सोचते ही नहीं है, वालिदे मोहतरम सुबह से रात तक ऑफिस में हो, बट वो उनके लिए ये मैटर नहीं करता, ये मॉम गिल्ट जो हमारी इनबिल्ट है पाकिस्तानी औरतों में बहुत ज्यादा, इसका क्या करें? यार देखिए, बिकॉज हम हमारे यहाँ एक सोच ये है कि बच्चे पालना, उनकी परवरिश करना बुनियादी तौर पर एक खातून का काम है, माँ का काम है। अब जैसे मैं, अभी मेरा बच्चा सो के उठा था, अब मैं उस वक्त तैयार हो रही थी, बच्चा मेरे साथ खेलना चाह रहा था, मामा मामा कर रहा था, मैं तैयार हो रही थी, मुझे गिल्ट हो रहा था यार आई शुड प्ले विद हिम, इंटर में तैयार हो रहा क्योंकि टाइम पे यहाँ पर पहुंचना था। अच्छा, अब मुझे, मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे ये हो रहा है कि पता नहीं इसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसको मेड ने खिलाया कि नहीं खिलाया, तो अब जैसे ब्रेक होगी तो मैं फोन करके पूछूंगी, वो होता है। लेकिन आई थिंक जिंदगी में खातून का करियर होना बहुत जरूरी है, इफ यू आर एन एम्पावर्ड वुमन, और अगर आप एक पढ़ी लिखी समझदार काम करने वाली खातून, आप अपने घर में भी कंट्रीब्यूट करती हैं और आगे जाके आपका बच्चा भी आपको अप्रिशिएट करेगा, आप अपने बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकेंगे। लगता है बच्चों को ना, जो बाहर काम करने वाली माइयां, घर में भी अब तो एंटरप्रेन्योर्स हो गई हैं, होम कुक्स हैं, बहुत सारे लोग घरों में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर बच्चा माँ को कुछ और घर के कामों के अलावा कुछ काम करते हुए देखता है तो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा हो जाती है। मुझे लगता है ऐसे जो लड़के होते हैं बच्चे, वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं औरतों के हवाले से। आई थिंक आजकल के बच्चे, आप देखो ना राबिया, कि आपके पास मीडिया है, टेलीविजन है, पहले ये एक्सेस नहीं होता था बच्चों के पास, हम जब छोटे थे तो हमारे पास इतना एक्सेस नहीं था ना कि टैबलेट्स हैं और फोन्स हैं और यूट्यूब है। अब बच्चे बहुत सीखते हैं, समझते हैं, सो दिनो, अब मेरा, मैं कहीं जा रही होती हूँ, घर में टीवी शो कर रही होती हूँ, DSNG आती तो मेरा बेटा कहता है मामा टीवी शो शुरू हो गया, DSNG पे शो करना इज इम्पॉसिबल। मेरी जब बेटी छोटी थी तो मुझे चैनल वाले DSNG भिजवाते थे, दो दफा DSNG आई, तीसरी दफा मैंने कहा भाई इट्स इम्पॉसिबल, मेरी बच्ची बाहर बैठ के ठा 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 कर रही होती थी दरवाजे पे, बच्चा वांट्स द पेरेंट्स, BBC वाला सिचुएशन हो जाती थी कि बच्चा, मेरे साथ दो तीन दफा हो चुका है स्पेशली ड्यूरिंग जब यू नो कोविड था, बच्चा घर में था, क्या करते आप, यू नो बच्चे को तो नहीं पता कि क्या लाइव हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, तो बच्चा किससे ज्यादा क्लोज है, अम्मा से या अब्बा से? अब्बा से क्लोज है। आई थिंक माई हस्बैंड हिशाम, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फादर्स। आई थिंक मैं हमेशा ये कहती थी कि मेरे जो पापा थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मुझे बड़ा टाइम दिया, बड़ा एम्पावर किया। आई वॉज वेरी वेरी, ही वॉज माई फादर, माई मदर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई कॉन्फिडेंट, माई एवरीथिंग, माई मेंटर, तो मैं समझती थी वो मतलब बेस्ट है। लेकिन उसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो वाकई हिशाम, नॉट बिकॉज ही इज माई हस्बैंड, वैसे आप जज तो कर सकते हैं ना, लेकिन ही मेक्स शो, ही गिव्स
enough time to the child. It's very important. Daftar se he comes back and immediately mera beta kehta hai ki car ride pe jana hai ya kahin golf club jana hai. Aur wo ye nahi ki main thaka hua. No, he will go out with him. Lekar jata hai. Raat ko agar mera beta neend se so ke uth jata hai, kabhi 4 baje uth jata hai, usko niche jana hai, kuch karna hai ya nursery mein jana hai, my husband will take him. Nani se kitna close hai? Nani se is He loves his mom. तो ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल फंस जाती हैं क्योंकि देखें मेरी तो मैं सबको कहती हूँ मेरी सास और मेरी अम्मा दोनों की बहुत बड़ी सपोर्ट है बच्चे संभालने में तो जब बिल्कुल फंस गई कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं नानी के पास छोड़ जाऊँ मैं नानी के पास नहीं छोड़ती हूँ मेरा बच्चा जो है माशाल्लाह 3.9 ईयर्स ओल्ड ऑलमोस्ट 4 तो घर में जो हमारा स्टाफ है वो इस किस्म का है कि वो ख्याल रख लेता है उसकी जो हेल्प है जो नैनी है वरना कोई ना कोई अच्छा कोई ऐसा टाइम होता है ना कि जैसे कि मैं अगर नहीं अवेलेबल हूँ तो देन माय हस्बैंड मेक श्योर ही इज अवेलेबल अच्छा यार ये बहुत होता है कि आप और कैमरास हमने लगाए हुए हैं बेबी कैम हाँ फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी अवामी मार्च के ऊपर थी 6-7 दिन So my husband made sure that he took him to office या वो घर पे और you know इस तरीके से उसको काम भी करना है लेकिन ये है कि थोड़ा ज्यादा वो उसने टाइम देना शुरू किया तो ये करना पड़ता है अच्छा अब हशाम आपने कहा कि फादर तो बहुत अच्छे हैं मियाँ कैसे हैं आपके ये बताइए कि जो पॉलिटिकल उसमें ज़ाहिर ही इज़ वेरी क्लोज ही नो सारी जो चीज़ें हो रही हैं उनका अपना भी बहुत रहता है इन्वॉल्वमेंट लेकिन जब आपके लिए जैसे अवामी मार्च थी आप लोगों के लिए तो एक सक्सेस वाली चीज़ बन गई ना कि आप लोगों के कुछ मुतालबात हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं जब ऐसा कुछ होता है हशाम के साथ डू यू शेयर दैट हैप्पीनेस वो वाला सक्सेस फैक्टर मियां के साथ शेयर करती हैं क्या होता है घर में हम बहुत कम सियासत पे बात अच्छा मतलब एक जनरल डिस्कशन होता है लेकिन घर में बहुत कम सियासत बिकॉज हशाम भी बहुत कम घर में होता है मैं भी बहुत कम घर में होती हूँ तो जब हम आते हैं तो हमारे पास बाकी इतनी सारी चीजें होती हैं बात करने की होती हैं फिर घर में नेटफ्लिक्स तो बहुत जरूरी है हमारी वन ऑफ द थिंग्स दैट वी एंजॉय डूइंग इज वाचिंग अ सीरीज टुगेदर सो वी पिक एंड चूज फिर हम वी मेक श्योर कि कोई एक एपिसोड उस सीरीज का हम साथ बैठ के देखें और किस किस्म की सीरीज खाने का हमें क्या बात है और कराची में मुझे लगता है इन द लास्ट 3-4 ईयर्स जो रेस्टोरेंट्स खुलना शुरू हुए हैं फूड और बहुत अच्छा है लाहौर आप जाएं आपको कोई समझ नहीं आते ऑप्शन इस्लामाबाद में तो बिल्कुल ही नहीं समझ आते मुझे लगता है वो बेचारा बहुत ही पीछे रह गया वो बेचारे अच्छा और इस्लामाबाद में सबसे फनी मुझे बात लगती है कि आपके जहाँ भी बैठे हो आपको आप सारे जानने वाले वहीं बैठे हैं क्योंकि जगह इतनी सी है ना थोड़ी सी वहीं आपको स्पोर्ट्स के भी सारे लोग मिलेंगे मतलब एक टेबल पे हम बैठे वहाँ शोएब अख्तर भी आ गए वहाँ पॉलिटिशियंस भी आ गए वहाँ सब भी आ गए और फिर सब इकट्ठे भी हो जाते हैं चलो जी साथ और वहाँ नहीं है कि नून लीग पीपल्स पार्टी पीटीआई ये भी तो है ना अच्छा मुझे ये भी बताएं शर्मिला कि आपकी बड़ी सारी दोस्तियां होंगी जो अब दूसरे पार्टीज में तो उसको किस तरह मैनेज करती हैं कि अब लोग कहते हैं जी आप शर्मिला तो जी बड़ी नून लीग के फला फला वक्त में खिलाफ थी और नून लीग की खातून के साथ तस्वीर है उनकी तो इसको किस तरह रखती हैं दोस्तियां और पॉलिटिक्स असाइड देखिए जो चीज़ हो गई उसको कोई अंडू नहीं कर सकता है जो एक एक तकलीफ का वक्त हमने नून लीग में गुजारा लेकिन उसमें किसी एक इंडिविजुअल का तो कसूर नहीं है ना जो इस वक्त के एमएनएज या एमपीएस वगैरह हैं सो आई एम ऑन वेरी गुड टर्म्स विद पीटीआई के लोगों से भी दोस्ती है पीटीआई के चंद कम जो पार्टी से गए हुए हैं ना उनमें से बहुत सारे लोग मिलते भी हैं आते भी हैं मैसेज भी करते हैं और भाई ना अब तो खैर वापस आ गए हम कहते थे आप वापस आ जाएं कहते थे मुझे लग रहा है कि जो ये कल हुआ है ना इसमें बहुत उन्हीं लोगों का हाथ है जो आप लोग से ट्रेन होके गए फवाद चौधरी बाबर अमान ओह माय गॉड फवाद चौधरी तो आई वर्कड वेरी क्लोजली विद फवाद एंड आई वर्कड वेरी क्लोजली विद द चेयरमैन और मुझे यकीन नहीं आता अच्छा देखें अगर कोई आप पार्टी छोड़ के भी चले जाएं तो फिर एक एक कोई जैसे कहते हैं ना एक कोई एहसास होता है या कोई शर्म हया होती है ऐसा तो नहीं होता कि आप मतलब जिस पार्टी से होकर आए हैं उन्होंने आपको अच्छी पोजीशन इसको आप गालियां देना शुरू कर दें अच्छा डू यू थिंक फवाद चौधरी विल एवर कम बैक टू पीपल्स पार्टी आई डोंट थिंक पीपल्स पार्टी विल टेक हिम बैक इवन इफ ही वांट्स टू आपको लगता कुछ लोगों ने बहुत बिलो द बेल्ट बातें कर ली ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है अच्छा तो और आपको लगता है आपकी पार्टी के जो चेयरमैन साहब हैं उनका भी दिल ऐसा ही है कि वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे या कुछ लोग होते हैं ना वो कहते हैं यार मैं पर्सनल चीजों पे माफ कर देता हूँ आई थिंक चेयरमैन साहब इज वेरी कंपैशनेट लाइक हिज मदर लेकिन वेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन देयर यू हैव टू ड्रॉ वो कहते हैं ना बाउंड्रीज होती हैं इससे ज्यादा इस हदूद से ज्यादा आगे नहीं एक हद तक ठीक है प्रेसिडेंट साहब जो है ना जरदारी साहब
उनका दिल बहुत तो कहते हैं दोस्तों के दोस्त हैं और भूल भी जाते हैं सारी चीजों का दिल बहुत बड़ा है। उनका दिल बहुत बड़ा। अच्छा जी हम कॉलर एक हमारे साथ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी कॉलर कौन है हमारे साथ कॉलर? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है? अल्फाबत बात कर रहा हूँ कराची से। कौन बात कर रही, कहाँ से? कराची से बात कर रहा हूँ, अजमत। अजमत जी, अजमत कहिए जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। पहले तो आपको रमजान की बहुत मुबारक हो अजमत, आपको बहुत मुबारक हो।